कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हुआ क्या सबसे पहले कि अगर आप देखो तो ये बॉटम था, जो बॉटम हमको कैसे हमने यहाँ पर डिफाइंड किया कि ये हमारा बॉटम बन चुका है, ठीक है, या इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे आया बाजार, फिर उसके बाद टॉप बनाया और टॉप कितना बनाया इस प्राइस पे, ठीक है। फिर वहाँ से हमको फिर से सेलिंग देखने को बोला और फिर आपका कितना टॉप बनाया बिल्कुल उसी की जगह, ठीक है। फिर आपको ये वाली चीज़ नोटिस करना है जी, आपको देखिए यहाँ पे कैंडल बनते हुए दिखाई दी, एक बड़ी कैंडल, ठीक है। और आपको याद होगा कि जून को हमारा देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसकी जो लो है वो लो देखिए आपको बिल्कुल वही प्राइस पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सेलिंग हमको देखने को मिली थी, और जो वो वाला समय था जब देखिए यहाँ पे नतीजे आने वाले थे जो कि आपके चुनाव के नतीजे थे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पूरा जो समय बिताया यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेट वाला समय था, ठीक है। ठीक है, थोड़ा हम पीछे का यहाँ पे समझ के चलेंगे जिससे हमको आगे का समझ में आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये पूरी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग वाने चालू हो गई थी जो कि जुलाई के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि जो आपका यहाँ पे जो आपका सेलर था ये प्रॉफिटेबल था, ठीक है, और यहाँ पे जो बायर था वो आपका लॉस में था, लेकिन यहाँ पे जो बायर था ये प्रॉफिटेबल था। अब यहाँ से बायर ने माल खरीदना चालू किया, ऊपर गया, लेकिन जे वाला जो जोन था, इस जोन के वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिली, ठीक है। जिसके वजह से देखिए यहाँ पे जो एक चैनल बनता हुआ दिखाई देता, ये एक चैनल था, यहाँ पे देखिए एक चैनल बनता हुआ दिखाई देता, इस चैनल का क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। लेकिन उस समय मैंने आपको क्या बोला था कि जिस चैनल का ब्रेकडाउन नहीं है, ये सिर्फ जो आपके यहाँ पे नीचे की साइड जो बायर हैं इनको निकाला जा रहा है, यानी इनके एसएल हिट किए जा रहे हैं। ये मैंने आपको किस बेसिस पे बोला था, सबसे पहले देखिए आप आरएसआई अगर आप देखो ना, तो एक आरएसआई इंडेक्स है, ठीक है, आरएसआई एक इंडेक्स है। अब यहाँ पे अगर आप एक इंडिकेटर है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि देखिए नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 की वैल्यू थी उस समय, और ऊपर की साइड आपका 80, ठीक है, और बीच में इसका एक 70 की वैल्यू और इसके नीचे आपकी 40, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू था ना वो 50 था, यानी ऊपर से करेक्शन होके आया, लेकिन यहाँ पे जो इसने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक MACD की भी वैल्यू होती है जो एक अच्छा इंडिकेटर है, इसको फॉलो किया करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो कि इसने ब्रेक किया था लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं किया था। MACD में देखिए एक सिग्नल लाइन होता है, एक MACD लाइन होता है, और जो आपको जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं बार होते हैं, ठीक है, ये हमको दिखा दे देते हैं कि ये आपका मार्केट में बुलिश है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा एक टॉप पे एक न्यूज भी आया था जो मैंने आपको बताया भी था, और काफ़ी हाइक बना था उसका, यानी अगर आप देखो ना, देखिए सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, प्रिंट मीडिया पे, ब्रोकरिंग पे, हर जगह उसकी बात हो रही थी कि 3 साल बाद, यानी एक बड़ा नंबर, 3 साल बाद आपके जो FIIs हैं उन्होंने एक दिन के अंदर 14,000 करोड़ का माल खरीदा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि 14,000 करोड़ का माल खरीदा। अब आप मुझे बताइए कि आपके DIS नीचे माल खरीदे, ठीक है, DIS आपके नीचे माल खरीदे, रिटेल इन्वेस्टर ने भी नीचे माल खरीदा था क्योंकि ये सपोर्ट थे, FIS ने ऊपर की साइड माल खरीद लिया, अगर यहाँ से मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा ऊपर की साइड, तो इतनी बड़ी पोजीशन जो बैठी है बाजार के अंदर इसको लॉस होना चालू हो जाएगा, या इनको जिस चीज़ समझ में आना चालू हो जाएगी कि हमने गलत जगह माल खरीदा है, तो थोड़ा थोड़ा हम प्रॉफिट बुक करते हैं। अब देखिए मंडे के दिन कैसे काम करना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए इस जगह क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 53,834, ठीक है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग हुआ है। ये एक साइकोलॉजी प्राइस था 54,000 का, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि 54,200, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर मूव भी आएगा, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाएगा तो वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा।
अब देखिए, जो डेटा मैंने आपको समझाया उसको FIS के डेटा में हम इस जगह समझते हैं। FIS का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 20 सितंबर को क्या हुआ था। 20 सितंबर को अगर आप देखो तो 14,000 करोड़ का माल खरीदा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बिल्कुल छोटा सा माल खरीदा गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिकवाली, एक बड़ी बिकवाली, फिर बिकवाली, ठीक है। फिर अगर आप देखो एक छोटी खरीदारी लेकिन फिर बिकवाली। तो यहाँ पे अगर नेट नेट अगर हम पैटर्न को समझे तो जी माल तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 3, 3.5 और 3.5, यहाँ पे देखिए आपको 4, 4.44 के समथिंग देखिए माल बेच चुके हैं। यानी अब यहाँ पे कितना बचा होगा, यहाँ पे 9,000 करोड़ के आसपास का माल बचा होगा, बाकी तो यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझो, अब जो DIS है वो क्या कर रहे हैं, DIS के पैटर्न को समझिए कि अभी जब हमने पहले देखा था ना तो DIS की यहाँ पे जो पोजीशन थी ना वो 13,000 करोड़ के समथिंग की थी, ठीक है। और उस समय लोग बात भी कर रहे थे कि देखिए FIS ने कितना माल खरीदा है, हमारे इंडिया के लोग नहीं खरीद पा रहे। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ हो वो लोग जो ऐसी बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, हमने को ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी कुछ भी लेंगे, हमने अपॉर्चुनिटी का वेट किया। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिठाई दी तो हम धीरे धीरे माल यहाँ पे कंज्यूम करने लगे, ठीक है, हम माल इस जगह उठाने लगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो FIS की पोजीशन थी उसको भी हमने ब्रेक किया और 24,211 करोड़ की अभी हम नेट नेट खरीदारी के साथ हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर क्या डेटा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन के अंदर भी जो डेटा है ना उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाजार देखिए कैसा आपका मूव कर सकता है, ठीक है। इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं समझने जो मुझे दिखाई दे रहा है या इस जगह जो चीज़ें हो रही हैं, अगर बाजार नीचे की साइड आपका एक प्राइस को निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए ये अगर आप देखो ना तो एक धनुष बाण जैसा देखिए इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको दिखाई दिया, एक आपका ऊपर गया, ये आपका टॉप बना, टॉप बनने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी अब इसमें क्या हो चुका है, देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉटम बन चुका है, ठीक है। डबल बॉटम का अगर इसने 53,700 इसको अगर ये ब्रेक कर देता है और यहाँ पे आपका 1 आवर्स का कैंडल ओपनिंग ऊपर की साइड, क्लोजिंग नीचे की साइड, ठीक है, माइनस में क्लोजिंग दे देता है, इसके नीचे आपका ब्रेक हो जाता है। ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, या तो ये 9:15 पे देखिए आपका गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, या अगर ये 9:15 पे गैप अप के साथ भी ओपन हो रहा है ना तो वहाँ पे कंसोलिडेट करके जो इस तरीके से निकलता है तो वहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इस प्राइस के नीचे, इस प्राइस के नीचे ही हम बैरिश होंगे और इसके नीचे बैरिश होंगे फिर हमको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, चलिए उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 53,600, फिर आपका 53,500, फिर आपका देखिए 53,400, आप देखते जाइए सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, फिर 53,300, फिर आपका 53,200, फिर आपका जो सपोर्ट बनेगा ना यहाँ तक, यानी अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हो तो इतने आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, और ये आपका सपोर्ट का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समझिए जी हमको सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे आपका देखिए 30 मिनट के चार्ट पे हमको किस तरीके से देखिए 30 नहीं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जे वाला जो प्राइस है जो कि आपका देखिए 53,200, अब आप देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लाइव मार्केट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छा इसको ब्रेक करेगा तो मूव मिलेगा, मूव हमको मिला भी था, कहाँ तक गया था ऊपर 54,440, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आपको 240 पॉइंटों का हमको मूव मिला, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इस लेवल को इसने ब्रेक किया जो कि देखिए हमारा साइकोलॉजी प्राइस था 54,000 का, इसको ब्रेक किया। अब देखिए इसको जब इसने ब्रेक किया ना तो लास्ट में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, समय बिता रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है जो कि आपका यहाँ तक। अब जे वाला जो कैंडल अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था लेकिन यहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि नीचे की साइड 53,200 से लेके
53,100 जी, ऐसा प्राइस है नीचे की साइड। यहाँ पे इसके में सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये नीचे की साइड आता है या नीचे की साइड आपको जो मिलता है तो यहाँ पे हमको क्या सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने सेलिंग किया तो यहाँ पे आप दो तरीके के प्लान बना सकते हो, या तो आपने ऊपर सेलिंग किया तो यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे सेलिंग मत कीजिए। और न्यू बाइंग करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, ठीक है, न्यू बाइंग करने के लिए ये जगह अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली जो रेंज है, जो 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज है, सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा 53,000 का भी नीचे सपोर्ट है, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजी प्राइस है। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंटों का करेक्शन भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए 1,000 पॉइंटों का जब करेक्शन हो जाता है तो नीचे हमको बाइंग का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे जो इसको ब्रेक करता है जब हमको पैनिक करना है, वरना कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के आसपास, अगर यहाँ पर कहीं मिलता है। क्योंकि देखिए आपका FIS ने बाइंग किया, अब क्या हुआ था जब पहले देखिए आपको पता है ना कि जो फिरंगी है ना वो अच्छा खासा देखिए माल हमारे यहाँ से लूट के ले गए। अब हमारा फर्ज बनता है कि जो पहले किया ना वो अब हम करें। और मैंने आपको ये लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जगह बाइंग किया, कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है ना, और जो खबर चलते हुए दिखाई दे रही है कि आपका इतना माल खरीदा 14,000 करोड़ का, देखो अब तो बाजार ऐसा देखिए ठीक है, लेकिन एक वैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। अगर वो ओवर हो जाएगा तो वो काम नहीं होगा। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और मैंने न्यूज़ देखा भी था, तो उसमें देखिए आप बताया गया था कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग PVR या सिनेमा में मूवी देखना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अगर वन टाइम भी आकर मूवी देखने जाते हैं तो जितना मूवी का टिकट नहीं होता उतना उसके अंदर खाने का टिकट हो जाता है, पॉपकॉर्न हो गया या आपके जो एक स्नैक हो गया, ठीक है, उसका ही कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आपने भी ये महसूस किया होगा, अब क्या होता क्या है कि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, वो हम सबको पता है। ऐसे ही मार्केट में एक कॉस्ट होती है, अगर कॉस्ट आपकी वैल्यू से ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है या वैल्यू से ज़्यादा आपसे मांगी जा रही है तो वो ठीक है, मार्केट एक बार दे देता है, खुशी से दे देता है। जैसे कई बार अच्छी मूवी लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि देखना ही देखना है, तो एक बार आप चले जाते हो, यार पैसा क्यों बनाते कमाते, इसलिए ठीक है। बाजार भी पैसा देता है लेकिन ओवर वैल्यू पे नहीं देता है, ठीक है, ओवर वैल्यू पे नहीं देगा। इसलिए हमको नीचे की साइड जो हमारी अच्छी प्राइस है, यहाँ से फिर ऑलमोस्ट हम इस जगह देखें 500 से लेके 600 अब मूव देख सकते हैं, 500 से लेके 600 और 600 से फिर ऊपर जाता है तो 700 777, ठीक है, इतना हम अब मूव देखेंगे अगर ये यहाँ पे मिलता है तो। अब देखिए ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस का क्या काम करेगा, तो देखिए ऊपर की साइड में आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस अब हमको कहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले ये जो स्विंग हुआ था बाजार के अंदर, इस स्विंग को ब्रेक किया है तो अब हमारा पहले तो रेजिस्टेंस रहेगा आपका 54,000, ठीक है, साइकोलॉजी प्राइस है, फिर हमारा रहेगा 54,200, ठीक है, जो ऊपर रजिस्टर है। नीचे सपोर्ट की बात मैंने आपको कह दी है 53,200 और फिर आपका 53,000, ये बहुत अच्छे सपोर्ट है, ये वैल्यू सपोर्ट है, ठीक है। वैसे तो सपोर्ट आपको हर 50 पॉइंट पे, हर 40 पॉइंट पे, हर 60 पॉइंट पे वो कोई मतलब के नहीं होते, वहाँ पे आपका आपको मल्टी टाइम ट्रेड करना है, 10 ट्रेड करना है, 20 ट्रेड करना है, 40 ट्रेड करना है, 30 ट्रेड करना है, सिर्फ ब्रोकर आपको बना के देना है, ब्रोकरेज आपको बना के देना है, आपको पैसा नहीं बनाना, तो आप इन लेवल को ध्यान रखिए। और अगर आपको एक या दो ट्रेड करना है तो जो लेवल मैंने बताए हैं उसको आप देख सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।